उस पर भी मोहर अब लग चुकी है क्योंकि फर्स्ट इंडिया मतलब सबसे आगे सबसे पहले। वही जयपुर से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, इन चार सीटों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या कहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देर से टिकट घोषित किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मनोज राजौरिया को फिर से रिपीट किया गया है और वो फिर उम्मीदवार होंगे करौली धौलपुर से। और यहाँ पर कुछ नाम चल रहे थे, बैरवा कार्ड खेलने की बात भी यहाँ बीजेपी में हो रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र धौलपुर पड़ता है, लिहाजा उनकी बात को यहाँ प्रमुखता बीजेपी के नेतृत्व ने दी है। और अब मनोज राजौरिया उम्मीदवार होंगे करौली धौलपुर से, जो अभी सांसद हैं। वहीं रंजिता कोहली नए चेहरे को लाया गया है, और बीजेपी यहाँ जाटव कार्ड पहले भी खेलती रही है, कोहली कार्ड खेलती रही, जाटव कार्ड कांग्रेस पार्टी ने खेला और बीजेपी यहाँ ने यहाँ पर कोहली कार्ड खेला है। दूसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाड़मेर से कैलाश चौधरी का टिकट, कैलाश चौधरी का नाम हनुमान बेनीवाल के बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद सामने आने लगा था, उससे पहले वो रेस में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे और ये तय था कि महेंद्र चौधरी का टिकट होगा या एक पूर्व IAS अफसर का नाम रेस में चल रहा था। महेंद्र चौधरी की जगह कैलाश चौधरी को लाने के पीछे हनुमान बेनीवाल का समीकरण देखा जा रहा है। RLP के मुखिया के नाते जब उनसे पूछा गया था विलेज गठबंधन से पहले बीजेपी नेतृत्व ने कि बाड़मेर को लेकर क्या ओपिनियन होनी चाहिए, तब हनुमान बेनीवाल ने वहाँ कैलाश चौधरी का नाम अपनी ओर से सुझाया था। और यही लगता है कि कैलाश चौधरी के नाम पर अब मोहर लग गई, और कैलाश चौधरी जो कि बायतू से उम्मीदवार थे बीजेपी के पिछले विधानसभा चुनाव में, चुनाव वो हार गए थे और वहाँ से हरीश चौधरी ने जीत दर्ज की थी, और अब सांसद के लिए वो चुनावी समर में बाड़मेर से उतरेंगे। तो मानवेंद्र सिंह के सामने कैलाश चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ कहा जा सकता है कि राजपूत और जाट यहाँ पर आमने सामने होंगे, तो जाट कार्ड यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खेला है। दौसा में अभी भी पेच फंसा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि दौसा का पेच क्यों फंसा है, ज़्यादातर राजनीतिक क्षेत्र के लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर किरुला लाल मीणा यहाँ के कद्दावर नेता हैं, वो चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश हुड्डा के परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, और यही कारण है कि वहाँ पर अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी ओर जो विरोधी खेमा डॉक्टर किरुलाल मीणा का, वो भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि सर्वे और तमाम अन्य कयासों के आधार पर ओम प्रकाश हुड्डा की पत्नी प्रेम मीणा का नाम वहाँ से काफ़ी प्रमुखता से चर्चा में रहा है। अभी भी रेस में वो भी हैं, गोलमा देवी भी रेस में हैं, जसकौर मीणा भी रेस में है जो कि पहले सांसद रह चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, क्या जसकौर मीणा का भी पूनम नाम चर्चाओं में है। लेकिन जो वहाँ पर आपस में जो प्रतिस्पर्धा है, जो वहाँ राजनीतिक जंग है, और वो राजनीतिक जंग ठीक इस तरह से है कि एक दूसरे की शक्ल तक वो देखना नहीं चाहते, तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह से कौन सा बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और कौन सा ऐसा उम्मीदवार हो जो यहाँ बीजेपी के लिए विनेबल हो सके, जिताऊ हो सके, यही कारण है कि दौसा के अंदर अभी भी पेच फंसा हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ा टिकट जो देर से घोषित हुआ है, जिसकी उम्मीद पूरम सबसे पहले की जा रही थी, दिया कुमारी का टिकट, लेकिन रात की सांस वो यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, राहत की सांस इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये नाम ऐसा चर्चित नाम था कि ये लग ये रहा था कि ये जल्दी घोषणा हो जानी चाहिए थी, दूसरी सूची में नाम आ जाना चाहिए था, दूसरी सूची में भी नाम नहीं आया, कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। और वहीं पर पिछले दो दिन से यहाँ पर कर्नल बैंसला फैमिली का नाम भी चर्चाओं में था, तो ऐसे में दिया कैंप में टेंशन बढ़ने लगी थी। लेकिन आज सुबह जब उनके पास किसी प्रमुख बीजेपी के एक नेता ने उन्हें कहा कि आपका नाम कन्फर्म है, और पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे में विश्वास में जताया है, और निश्चित रूप से अब अक्टूबर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और मैं निश्चित रूप से आगे और बढ़िया करने का प्रयास। हेलो, बिल्कुल, और कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, ये कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी का जो पूरे देश के अंदर जो वातावरण है, और कांग्रेस तो बिल्कुल जिस तरह से आंखों से हाथ पे पहुंच, इसलिए चुनौती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत के आएगी, और पटन लोगों के साथ में केंद्र के तरफ सरकार बनाएंगे। ठीक है कैलाश जी, एक सवाल है आपसे, सुन रहे हैं आप? जी जी कैलाश जी,
महेंद्र चौधरी का नाम चर्चा में था, पूर्व आईपीएस अफसर, उनको टिकट नहीं मिला, आपको मिला है? ऐसा है, टिकट मांगते हैं हम सभी कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता जिसको भी टिकट देती है उसके साथ में लगते हैं, और हमारा लक्ष्य भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना है, इसलिए हम सभी उस पवित्र काम के अंदर लगे हुए हैं, और जिसको भी पार्टी टिकट देती है उसके साथ हम रहते हैं। हमारे पिछली बार भी जिस तरह से टिकट दी थी, हम सभी साथ में लगे हैं। निश्चित रूप से हम तो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, और जिसको भी टिकट मिली, मेयर को मिली या किसी को भी मिलती, तो हम भी उनके साथ रहते हैं। हमारा लक्ष्य एक है, मात्र और मात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। क्या हनुमान बेनीवाल ने आपका नाम प्रमुखता से सामने रखा बीजेपी नेतृत्व के, उसके बाद आपके नाम पर गंभीरता बरती गई? ऐसा है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सभी ने सोच विचार के निर्णय लिया है, और निश्चित रूप से हनुमान जी की जो पूरी टीम हमारे साथ में आई है, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें हमारे इससे हमारे एनडीए की जो टीम और मजबूत हुई है, और निश्चित रूप से हम सभी नरेंद्र मोदी जी के साथ। चलिए ठीक है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब आपको प्रचार प्रसार में भी लगना है। फिलहाल के लिए शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो कैलाश चौधरी बाड़मेर से, उन्हें टिकट दिया गया है, और फर्स्ट इंडिया न्यूज से उन्होंने सबसे पहले बात की, और उत्साहित तो है ही, लेकिन जीत के लिए यहां पर बोलते नजर आए कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से कुर्सी पर विराजमान यहां पर करना है। योगेश जी, जो उनके रिएक्शन यहां पर है, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है, और जब टिकट हाथ में आती है तब फिर उसी पार्टी की तरफ आपका नेतृत्व हो जाता है। जी बिल्कुल पूनम, यहां पर कैलाश चौधरी का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, और संघ से उनका पुराना रिश्ता रहा है, संघ बैकग्राउंड के कहे जाते हैं। इसके साथ ही कैलाश चौधरी का नाम इसलिए भी चर्चाओं में रहा है कि वो किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और इसलिए भी चर्चा में रहता है कि उनकी छवि उस इलाके में बाहुबली की भी मानी जाती रही है, दबंग छवि के कारण भी वो खासे चर्चा में अपने इलाके में रहते हैं, और कई आपराधिक मामले भी उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं पहले, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो एक हनुमान बेनीवाल का अगर साथ मिलता है तो एक मजबूती के साथ वो वहाँ पर एक उम्मीदवार के तौर पर नजर आएंगे। पिछला चुनाव वो हार गए थे, और उनकी हार का कारण भी आरएलपी बनी थी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां बताने के लिए हमारे दर्शकों को।